अब दोस्तों आपका घर सिनेमा हॉल बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा पर्दा आप लोग देख ही सकते हो, कितना बड़ा ये पर्दा है और इस पर्दे को आप दोगुना तिगुना चारगुना कर सकते हो। दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है, यानी कि आप टीवी चैनल भी यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग यहां पे अपना पेन ड्राइव लगा के भी वीडियोस को देख सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास ये MPG2 मैं यहां पे दिखा रहा हूं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा मेरा मतलब एक साइड का दीवार है, यहां पे मैंने प्रोजेक्टर लगाया है और प्रोजेक्टर के फोकस को मैंने यहाँ पर रोका है और यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं टीवी। तो दोस्तों आप भी लोग देख सकते हैं टीवी, कैसे देखेंगे इसकी पूरी डिटेल आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से दोस्तों अपने घर को आप लोग बना सकते हैं सिनेमा हॉल, अपने घर की दीवार को दोस्तों बना सकते हैं आप सिनेमा हॉल। तो दोस्तों आइए चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कौन सा प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है, इसके बारे में पूरी डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों हम दे रहे हैं अपने लकी सब्सक्राइबरों को ये फीचर फोन। जी हाँ दोस्तों, इस फीचर फोन की वारंटी है एक साल की, देख सकते हैं इसका मूल्य है 1000 रुपए। अब दोस्तों इसको पाने के लिए आपको क्या करना होगा इस फीचर फोन को, तो दोस्तों बस आपको सिंपली करना होगा हमारी इस वीडियो को लाइक। ये देखिए दोस्तों, लाइक करेंगे नीला हो जाएगा बटन, उसके बाद से दोस्तों आपको हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको हमारे चैनल को कुछ इस प्रकार से यहां से करना है सब्सक्राइब और इसके बाद से बेल आइकन दबाना है, ऑल वाले निशान पे क्लिक करना है। उसके बाद से दोस्तों आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप और तमाम जगहों पे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट करना है, नाइस वेरी नाइस या और कुछ। तो दोस्तों जल्दी करें, ये ऑफर सीमित समय के लिए है। तो दोस्तों इस समय बम्पर सेल चल रहा है और इससे सस्ता आप लोगों को ये प्रोजेक्टर नहीं मिलने वाला है। और ये कैसे मिलेगा इसकी पूरी डिटेल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों हमारे चैनल के थ्रू ये प्रोजेक्टर बहुत ज़्यादा बिका है, तो इसीलिए हमारे सब्सक्राइबरों को मिल रहा है दोस्तों स्पेशल गिफ्ट वाउचर, और साथ ही साथ दोस्तों ये इसका रेट एकदम आधा हो गया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्टर को ओपन करता हूँ। तो दोस्तों जब हम इसे निकालेंगे तो हमें यहाँ एक प्रोजेक्टर मिल जाता है, उसके बाद से दोस्तों एक बॉक्स मिल जाता है। इस बॉक्स में दोस्तों इसकी रिमोट है और उसके बाद पावर एडाप्टर वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसे हम सिंपली करते हैं यहाँ से ओपन करते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से। ये देख सकते हैं आप लोग, ये रहा दोस्तों प्यारा सा प्रोजेक्टर, जो कि दोस्तों बहुत ही सस्ता है और ये सिनेमा हॉल में पहले लगता था, लेकिन दोस्तों अब इसका वर्क जो हो गया है आप अपने घर की दीवार पे इससे टीवी देख सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप यहां पे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, उससे पहले मैं आप लोगों को इस बॉक्स में दिखा दूं क्या है। तो दोस्तों यहां पे सिंपली जब मैं इसे ओपन करता हूं तो यहां पे दोस्तों एक पावर का केबल मिल जाता है, ये आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों ये पावर का केबल है, इसे हम किनारे रखते हैं। उसके बाद से एक रिमोट मिल जाता है, जो कि दोस्तों रिमोट में ज़्यादा कुछ है नहीं और सही साठ मतलब अच्छा रिमोट है, छोटा रिमोट है, ज़्यादा फंक्शन भी नहीं है इसमें प्रोजेक्टर में। तो दोस्तों ये रिमोट बहुत ही फर्स्ट क्लास है, पेंसिल से लगते हैं। उसके बाद ऑडियो वीडियो के लिए दोस्तों आपको एक केबल यहाँ पे मिल जाता है कि आप इससे कनेक्ट करके अपने सेटअप बॉक्स या अपनी किसी भी डिवाइस में आप लगा सकते हैं। वहीं पर बात करें दोस्तों यहाँ पर यूजर मैनुअल बहुत मोटी सी मिल जाती है, तो खैर दोस्तों इसका वर्क ज़्यादा कुछ है नहीं तो हम इसे यहाँ किनारे रखते हैं और इसको भी दोस्तों साइड में हम रख देते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रोजेक्टर की, प्रोजेक्टर के आगे एक ऐसा ढक्कन लगा होता है, इसे निकालना होता है। और ये रहा दोस्तों इसका लेंस, दोस्तों ये है दोस्तों ब्लिट जोल्फ का ये प्रोजेक्टर है और ये देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों IR सेंसर है, जिसकी मदद से दोस्तों आप रिमोट इसमें कैच करा सकते हैं, यानी रिमोट यहाँ से वर्क करता है। वहीं पे ऊपर दोस्तों देखते हैं तो यहाँ पे दोस्तों कुछ बटन्स हैं, दोस्तों ये बटन्स दोस्तों इसके यूज में आते हैं, यानी कि इसके मेनू और पावर ऑन ऑफ के लिए ये काम आता है। दोस्तों इसके पीछे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये सप्लाई का सेक्शन है, यहाँ पे सब आपको केबल लगाना होगा, सप्लाई केबल। यहाँ पे एक स्पीकर मिल जाता है, यहाँ पे फिर IR, यानी कि अगर आप रिमोट इसका पीछे से आप दबाते हैं तो भी ये काम करेगा प्रोजेक्टर अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यानी आगे पीछे दोनों तरफ इसमें IR सेंसर दिया हुआ है। बात करते हैं दोस्तों VGA केबल का, कि अगर किसी के पास मॉनिटर है तो भी आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे HDMI का पोर्ट है,
क्योंकि सेट टॉप बॉक्स से आप HDMI या गेम खेलते हो तो गेमिंग के लिए HDMI होता है। तो दोस्तों इसमें आप गेम और उसके बाद HD सेट टॉप बॉक्स वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पेन ड्राइव देने की स्लॉट है, ये पेन ड्राइव दोस्तों आप लगा सकते हैं वीडियो देखने के लिए, हार्ड डिस्क लगा सकते हैं वीडियो देखने के लिए। वहीं पे बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको एक आउटपुट मिलता है ऑडियो आउटपुट। ऑडियो आउटपुट दोस्तों बड़ा सा होम थिएटर लगाने के लिए या और कुछ लगाने के लिए कि आपको एकदम भरपूर हॉल का ही मज़ा यहाँ पे मिले। तो दोस्तों ये रहा वीडियो का पोर्ट, जो कि आप के पास जो ये वाली पिन है आप इसमें लगा देंगे और वीडियो आप जाके अपने सेटअप बॉक्स में कनेक्ट कर देंगे। ये ऑडियो वीडियो पोर्ट है। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी, ये बहुत ही बेस्ट प्रोजेक्टर है दोस्तों, और ऐसा प्रोजेक्टर दोस्तों आपको नहीं मिलने वाला है इतने सस्ते में दोस्तों। और इस प्रोजेक्टर की जो प्राइस है दोस्तों कम से कम 5-10 गुना तक ज़्यादा थी, लेकिन अब इस वीडियो से अगर आप ख़रीदते हैं तो इसका रेट एकदम लो हो गया है, और इसे आप लोग ज़रूर ख़रीदें। ये प्रोजेक्टर बहुत ही अच्छा है। और दो चीज़ और मैं भूल रहा था यहाँ पे, और ये जो दोस्तों है कि अगर आपकी डिस्प्ले थोड़ी सी ऊपर नीचे है तो इसके लिए ये है, और उसके बाद से दोस्तों ये वीडियो को क्लियर करने के लिए है। तो यानी कि अगर मान लो ब्लर आ रहा है फ़ोटो, तो इससे आप क्लियर कर सकते हो। और इसकी साइज़ की बात करें दोस्तों, इसकी साइज़ एक हॉल के बराबर होती है। एक हॉल के बराबर जितना बड़ा पर्दा है उतने बड़े पर्दे पे आपका ये चल जाएगा। तो दोस्तों अब आगे इसकी कुछ सेटिंग्स मैं आप लोगों को इसी वीडियो में दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग जब इसे ख़रीदें तो असुविधा ना हो। एक बात और हम बताएं, जब आप इसमें पावर सप्लाई लगाएं तो आप यह रिमोट से आप जो पावर का बटन होता है, ये वाला बटन होता है, दाबें तभी ये ऑन होगा। नहीं तो यहाँ पे जो बटन है पावर का उसे आप दाब देंगे तो बस 30 सेकंड लेगा, 30 सेकंड में ये ऑन हो जाएगा, आपकी दीवार पे ये फ़ोटो दिखाने लगेगा। तो बाकी दोस्तों इसमें कोई तामझाम नहीं है, बेस्ट ये है। प्लास्टिक बॉडी में आता है दोस्तों और फर्स्ट क्लास है ये। आप एक जगह इसे स्थिर कर सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया ये प्रोजेक्टर है। इसे ख़रीदने के लिए दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है, लेकिन इसकी कुछ सेटिंग्स आप ज़रूर समझ लें इस वीडियो में। अब दोस्तों ये देख सकते हैं, यहाँ पे जब हम रिमोट से मेनू बटन दबाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स खुल जाएगी। जहाँ पे दोस्तों OHD सेटिंग आपको मिल जाएगी, फैक्ट्री रिसॉल्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, OHD ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, OHD ड्यूरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर अपग्रेड का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पिक्चर मोड है, कलर्स टेम्परेचर है, और एक्सेप्ट रेटियो 16:9 है, और नॉइज है दोस्तों मिडिल, और ये देख सकते हैं नॉइज है, हाई नॉइज कर दें यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे एकदम क्लियर क्वालिटी आ जाएगी। हाई नॉइज पे, लो नॉइज पे करते हैं दोस्तों तो थोड़ा सी पिक्चर क्वालिटी फट जाती है, तो हम हाई पे रहने देते हैं। और उसके बाद से फिर मेनू में आ जाते हैं। फ्रंट दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से आप बदल सकते हैं, ये देखिए आप लोग उल्टा हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सेटिंग जो है कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे करनी होती है। ऑडियो वीडियो मोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और रिड्यूस डिस्प्ले साइज तो यहाँ पे 100% मैंने किया है। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे साउंड सिस्टम में दोस्तों यहाँ पे साउंड भी आपको मिल जाता है, तो आप स्टैंडर्ड रहने दें। उसका स्लिप मोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों इसकी पिक्चर क्वालिटी आप लोग देख ही सकते हो, कितना लाजवाब ये पिक्चर क्वालिटी के साथ यहाँ पे दिख रहा है, और एकदम अच्छी तरीके से हमें ये दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों ये अब बहुत ही बेहतर है। अगर आपको इसको ख़रीदना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप इसे ख़रीद सकते हैं। दोस्तों ये जो प्रोजेक्टर है, असल बात ये है, इस प्रोजेक्टर को दोस्तों सिनेमा हॉल में पहले लगता था, लेकिन अब तो सिनेमा हॉल का ज़माना है ही नहीं, लेकिन दोस्तों अब आप अपने घर पे लगा सकते हैं, और ये बहुत ही कम पैसों में आ रहा है, बहुत ही सस्ते में आ रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।